वेलकम बैक, दिस इज आसिफ अंसारी एंड यू आर वॉचिंग इंजीनियरिंग टेक्टिक्स। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू बता देने वाला हूँ कि आप इतना वैल्यू अगर लगाएंगे तो आपका जो आपका रिक्वायर्ड है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट वो आपको अचीव हो जाएगा। तो ये वहीं पे अप्लीकेबल है जहां पे हम आरएमसी प्लांट से कॉन्क्रीट नहीं मंगाते हो, क्योंकि जब हम आरएमसी प्लांट से अगर कॉन्क्रीट नहीं मंगाते तो हम उसको वहां पे साइट मिक्सिंग करते हैं, यानी कि साइट पे ही हम कॉन्क्रीट बनाते हैं वो मिक्सर मशीन के जरिए। ओके, तो मिक्सर मशीन में फर्मा यूज होता है। फर्मे के जरिए हमें मटेरियल को क्रश सैंड, मेटल वन मेटल टू को हमें डालना रहता है मिक्सर मशीन में, और जो फर्मा रहता है वो रहता है लीटर्स में। तो मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि हमें फर्मा कौन सा यूज करना है और कितने लीटर का फर्मा यूज करना है कि हमारा वो रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाए। तो ये डायरेक्टली मैं एक वैल्यू दे दूंगा, आप इस वैल्यू को यूज करके आप साइट पे डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अचीव कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए हमें सैंड कितना यूज करना है, मेटल वन कितना यूज करना है, मेटल टू कितना यूज करना है। ओके, और उसको फर्मे में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो इस वीडियो में मैं सिर्फ M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बनाऊंगा, उसी तरीके से तो आने वाली वीडियो में मैं M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का ही बताऊंगा, M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का ही बताऊंगा, M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का ही बताऊंगा। ओके, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें लीटर्स कितना यूज करना है हमें वो नहीं रहता है मालूम, तो हमें लेबोरेटरी में देख के उसका डिजाइन मिक्स प्रोपोर्शन मंगाना पड़ता है लीटर्स में, तो हम साइट पे हम उसका काम करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी मंगा के चुका था अपने साइट के लिए, तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दूंगा, आप इस वैल्यू का यूज करके आप अपने साइट पे M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बना सकते हैं। ओके, तो जब भी हम मिक्सर मशीन में माल बनाते हैं तो वो 1 बैग ऑफ सीमेंट का बनाते हैं, तो यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू बताऊंगा वो 1 बैग ऑफ सीमेंट का ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीमेंट से। तो सीमेंट हमें लेना है 1 बैग सीमेंट। ओके, अब 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि सैंड कितना लगेगा M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। तो सैंड आपको लगेगा इसमें 95 लीटर्स लगेगा सैंड। ओके, और मेटल टू यानी कि 20 mm का एग्रीगेट वो आपको लगेगा 65 लीटर्स। ओके, मेटल टू, और मेटल वन लगेगा आपको 55 लीटर्स, तो वो हो जाएगा मेटल वन। तो ये हमारा मटेरियल बन गया कि इसमें हम 1 बैग ऑफ सीमेंट लगाएंगे तो उसमें सैंड जाएगा 95 लीटर, मेटल टू यानी कि 20 mm का एग्रीगेट 65 लीटर्स और 10 mm का एग्रीगेट 55 लीटर्स। तो इसका एक थंब रूल क्या है कि जब हम इसको प्लस करेंगे 95, 65 और 55 को, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 215 लीटर्स। तो ये इसका टोटल है M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का, तो इतना हमें चाहिए रहता है। तो इस तरीके से अगर हम मटेरियल बनाएंगे साइट पे तो हमें M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम फर्मे में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 95 लीटर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फर्मा जो रहता है ना वो स्टैंडर्ड साइज का कुछ है नहीं, इसमें क्या होता है ना कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फर्मा हमें मार्केट में मिल जाता है, तो ये हमेशा 5 के इंटरवल पे रहता है। जैसे कि 30 लीटर का फर्मा, 35 लीटर, 40 लीटर, 45 लीटर, इस तरीके से फर्मा अवेलेबल रहता है। और अगर आपको कुछ कम ज्यादा चाहिए तो स्पेशल आप ऑर्डर देके भी बनवा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 95 लीटर ऑफ सैंड है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 45 प्लस 45 दो फर्मा यूज कर सकते हैं 45 45 का। एक्चुअली ये 90 हो जाता है लीटर्स यहाँ पे, लेकिन 95 है। तो क्या करेंगे हम, इस फर्मे को अगर हम थोड़ा फुलफुल भराएंगे तो ये 95 लीटर अचीव हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनेज करो। मेन क्या है कि ये 95 लीटर, 65 लीटर, 55 लीटर होना चाहिए। अब जैसे अब यहाँ पे 65 लीटर है, तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको भी हम डायरेक्टली 30 लीटर का दो फर्मा यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये 60 होता है, लेकिन जब हम इसको फुलफुल भरेंगे तो ये 65 लीटर पहुंच जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 55 लीटर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 30 लीटर का एक फर्मा यूज कर सकते हैं और 25 लीटर का एक फर्मा यूज कर सकते हैं। तो ये भी दो फर्मा यूज होएगा, लेकिन एक 25 का रहेगा, एक 30 का रहेगा। 30 अगर 25 का अगर आपको नहीं मीलता है तो आप ऑर्डर देके बनवा सकते हैं 25 लीटर का फर्मा। तो इस तरीके से 6 फर्मा लगेगा आपको M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बनाने के लिए। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको वाटर कितना यूज करना है, तो वाटर के लिए भी इसमें गाइडलाइन दी गई है कि वाटर आपको यूज करना है
नॉट मोर देन 30 liters, ओके, यानी कि 30 लीटर से ज्यादा आपको वाटर यूज नहीं करना है M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए, ओके. तो इस तरीके से अगर आप साइड पे मिक्सिंग करते हैं तो आपका M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि मेटेरियल कैसा होता है ना कि हर जगह का थोड़ा अलग अलग रहता है, तो आप इस डिजाइन से अगर आप करना चाहते हैं तो इस डिजाइन को लेके आप क्यूब बना ले और क्यूब का टेस्ट रिपोर्ट मंगा ले, तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो कि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिल रहा है, ओके. तो अगर आपको जानना है कि अगर M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का अगर हम एक एम क्यूब माल भरते हैं तो हमें इसमें कितना सीमेंट जाएगा, तो उसका भी हमें ये मिला हुआ है आंसर, तो उसका भी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि वो आपको 5.2 बैग लगेगा पर एम क्यूब में, यानी कि हर एक एम क्यूब में 5.2 बैग लगेगा. तो जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपको पीसीसी कहीं पे करना है और उसका सपोज 40 एम क्यूब बनता है और आपको जानना है कि नंबर ऑफ बैग कितना लगने वाला है इसके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि 40 × 5.2 करेंगे तो आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ बैग मिल जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्टली सही नहीं रहेगा क्योंकि हमेशा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में फर्क पड़ता है. तो लेकिन उसके अराउंड में आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितने बैग ऑफ सीमेंट ऑर्डर करना है, ओके. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके, ओके. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.